हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं क्यूरियस स्टफ। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी मिस्टीरियस हिमालयन कंट्री की जिसकी के बारे में ज्यादातर लोगों को पहली बार 1970 में पता चला। एक ऐसी कंट्री जहां पे सक्सेस को हैप्पीनेस के बेसिस पर मेजर किया जाता है, ना कि मटेरियल थिंग्स के बेसिस पर। जहां की पॉपुलेशन से 7.5 लैक्स है और ये कंट्री साइज में यूएस से 256 टाइम्स स्मॉलर है, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज के मामले में कई कंट्रीज से बहुत बड़ी, और वो है भूटान, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में डर्क युल भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। और इसका रीजन है यहाँ पे आए दिन आने वाले भयंकर हिमालयन थंडरस्टॉर्म, और इसीलिए भूटान के नेशनल फ्लैग के ऊपर भी ड्रैगन का सिंबल है। थिम्पू वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कैपिटल सिटी है जहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। इवन जब गवर्नमेंट ने वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगाने की कोशिश की तो वहाँ के लोगों ने अपोज करके लाइट्स को हटवा दिया, और अभी भी वहां के लोग ट्रैफिक लाइट के बजाय हाथों में व्हाइट ग्लव्स पहने ट्रैफिक ऑफिसर्स को देखना पसंद करते हैं। भूटान वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि कार्बन न्यूट्रल ही नहीं बल्कि कार्बन नेगेटिव है, यानी कि हर साल भूटान जितनी CO2 एमिट करता है उससे 3 गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि नो पॉल्यूशन एट ऑल। भूटान में एजुकेशन और हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है, सारे सिटीजन को स्कूल एजुकेशन फ्री में दी जाती है। वहीं बात करें हेल्थ केयर की तो वो सिटीजन्स के साथ साथ विजिटर्स के लिए भी एकदम फ्री है। मेडिकल कंसल्टेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर मेडिसिन तक सब चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। इवन वहाँ पे रूरल फार्मर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ताकि वो कुकिंग के लिए फायरवुड का यूज ना करें। भूटान भले ही एक गरीब कंट्री हो लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए घूमने के हिसाब से वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है, जिसका रीजन है भूटान की रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी, हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट। शार्क नेशन के अलावा जितने भी कंट्रीज के टूरिस्ट हैं उन्हें भूटान में स्टे करने के लिए हर दिन $250 देने होते हैं, जिसमें कि इंक्लूड होता है 3-स्टार अकोमोडेशन, फूड, एंट्रेंस फीस, ट्रांसपोर्टेशन प्लस टूर गाइड। सोलो ट्रैवलिंग भूटान में पॉसिबल नहीं है। भूटान गवर्नमेंट का मानना है कि अगर वो हाई कॉस्ट रखेंगे तो क्रीम क्राउड ही भूटान घूमने आएगा, और एक्सपेंसिव होने के कारण वे ज्यादा दिन तक स्टे भी नहीं कर पाएंगे, जिससे कि इनडायरेक्टली वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को कम नुकसान होगा। लेट 60s तक भूटान में ना तो रोड थी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना मोटर व्हीकल, ना ट्रांसपोर्टेशन, और ना ही पोस्टल सर्विसेज थी। लेकिन फिर वहां के किंग को लगा कि उनकी कंट्री को भी मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, इसलिए कुछ साल बाद 1974 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूरिस्ट को भूटान में आने की परमिशन दी गई, वो भी बाय इन्विटेशन ओनली। भूटान वर्ल्ड के उन टॉप कंट्रीज में से एक है जहां की टेलीविजन सबसे लेट आया 1999 में, क्योंकि उससे पहले तक टेलीविजन वहां बैन था। 1999 में फर्स्ट टाइम भूटान में इंटरनेट का यूज शुरू किया गया, और 2003 में भूटान किंग के बर्थडे के दिन मोबाइल सर्विसेज शुरू की गई। भूटान चारों तरफ से हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी भूटान के लोग माउंटेनियरिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग को इतना एंकरेज नहीं करते, और इसीलिए वहां पे 6000 मीटर से ऊपर की हाइट वाले माउंटेन पे ट्रैकिंग और हाइकिंग बैन है, क्योंकि वे लोग माउंटेन्स को बहुत ही सेक्रेट मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग उन माउंटेन्स में सुपरनेचुरल पावर है जहाँ पे की सुपर पावरफुल मॉन्क्स रहते हैं, और वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग वहां जाकर उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। और यही रीजन है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अनक्लाइम माउंटेन भूटान में है, जिसका नाम है गंगकर पेंसम। लेट 70s में भूटान के फोर्थ किंग को लगा कि उनकी कंट्री की हैप्पीनेस उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू GDP, और इसीलिए भूटान में जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे GNH के बेसिस पर होते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और इसी की वजह से 2006 में भूटान का द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ एशिया एंड द 8th हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। भूटान के लोग अपनी फर्टिलिटी को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं, और यही कारण है कि वहां के हर घर के बाहर आपको ये पेंटिंग्स दिख जाएगी, जिसे कहते हैं फुलूस। वहां के लोगों का मानना है कि फुलूस बनाने से उनकी किस्मत हमेशा चमकती रहेगी और भगवान से उन्हें फर्टिलिटी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। इवन भूटान में एक प्रॉपर मॉनेस्ट्री भी है जो कि फर्टिलिटी को प्रमोट करती है, जिसका नाम है चिमिलिखेंग, यानी कि द टेंपल ऑफ डिवाइन मेडमैन, जहां पे दूर दूर से कपल्स आते हैं फर्टिलिटी की ब्लेसिंग लेने के लिए। भूटान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 8 ही ऐसे क्वालिफाइड पायलट है जिन्हें की यहाँ प्लेन उड़ाने की परमिशन है, जिसका रीजन है यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसमें कि हर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग भूटान की 60% लैंड फॉरेस्ट होनी चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना वहाँ के लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका फायदा ये हुआ कि प्रेजेंटली भूटान की 72% लैंड फॉरेस्ट है। इवन भूटान के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 घंटे में सबसे ज्यादा ट्री प्लांट्स करने का,
एक पर्टिकुलर सिंगल लोकेशन पे। भूटान में लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। रीजन, वहां ज्यादातर लोगों को ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है और ना ही ये पता है कि वो कितने साल के हुए हैं। इसीलिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वहां के सिटीजन्स एक ही दिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर के दिन। 2010 में भूटान वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बना जिसने की टोबैको प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और उनकी सेल्स पे बैन लगाया। वहां पे पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना बैन है और इलीगल भी, और इसीलिए इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग वहां के लोग बीटल नट के ज्यादा एडिक्टिव हैं। 2004 में भूटान वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बना जहां की प्लास्टिक बैग्स का यूज पूरी तरह बैन किया गया। इवन 2004 से पहले भी लोग यहां प्लास्टिक बैग्स को रीयूज किया करते थे। सो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।